हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करेंगे जरूर बताइएगा। और दोस्तों ठीक है, ऊपर जाके बनाती हूँ। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं छत पे, और आप लोग को एक ब्लॉग बनाने के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसा, मतलब हम भी कई दिनों से वीडियो पे देख रहे हैं और देख रहे हैं आप लोग हमारा ये छत का लोकेशन, बहुत ही प्यारा लगता है ना। किसको किसको अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा हमारा लोकेशन कैसा लगता है। और हम यहीं से वीडियो तो हम दोपहर में ही बना लिए हैं, अभी टाइम नहीं है बनाने के लिए वीडियो, एक ब्लॉग बनाना था। और दोस्तों ये हम वीडियो बना रहे हैं ऐसा छोटे मोटे क्रिएटर के लिए, और हम भी छोटे ही हैं, हम भी कोई बड़े नहीं हैं, कुछ भी नहीं है समझ लीजिए कि हमें भी किसी का ही सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट से ही सब लोग आगे जाते हैं। कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जो किसी का सपोर्ट नहीं लिया होगा, ज़रूर लिया होगा दोस्तों। किसी ने किसी को कोई बताने वाला या फिर कैसे कैसे क्या करना है सब कुछ सिखाया होगा, ऐसी बात नहीं है कि किसी को कोई नहीं सिखाया होगा। तो सपोर्ट लेने वाली बात तो अच्छी है, और सपोर्ट देते भी हैं लोग, देते भी हैं ले, और कुछ लोग लेते भी हैं, लेने के बाद भी उनकी बुराई बताएंगे और कुछ देने वाले भी बुराई बात कर देते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत होता जाता रहता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि हम जितना मेहनत, दोस्तों हम यही बोलेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करिए, और जिसका सपोर्ट लीजिए कम से कम, जिसका खाना खाए ना उसकी बुराई नहीं बात करनी चाहिए। जिसके घर पर हम रहते हैं, खाते हैं, वो सिखाते हैं हमें कुछ भी, हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए बताते हैं, तो उनकी बुराई ना ही करें। अगर कोई उनसे मान लीजिए गलती भी हो गई है, तो थोड़ा आपने एक्सेप्ट करें ना, एक्सेप्ट करके मान लीजिए, कोई भी अपने घर पे कैसे भी रहता है, ये बात नहीं, चाहे हम हो या कोई भी हो, हमारे घर पे भी कोई आएगा, हमारा उसको आचरण उसको पसंद नहीं आएगा, या फिर उसका हमें नहीं पसंद आएगा, तो ये नहीं है कि हम उनका बुराई करें वो हमारी बुराई करें। तो इससे अच्छा है कि हम सबकी बातें जान के अपने पास ही रख लें, किसी से क्यों बोलेगा। क्योंकि पता है दोस्तों, आज जो हमारे से बहुत अच्छे हैं ना, बच्चा अच्छा हम लोगों से ऐसा रिलेशन रह रहा ना, वो कल तो पक्का टूटेगा, और कोई ना कोई उसको तोड़ देगा। और ऐसा ही तोड़ते हैं लोग कि जिसका रिलेशन थोड़ा अच्छा से बन रहा है, क्यों ऐसा हो, क्यों इतने लोग इतना क्लोज रह रहे हैं और इतना मतलब साथ में रहते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का भी नमक खाओ तो उसकी बड़ाई ही करो, अगर वो बुरा भी है तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, किसी में भी थोड़ी बहुत कमियां निकल जाती हैं तो होता रहता है। तो आप लोग, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप लोग ऐसे अभी YouTube पे देख रहे हैं कि ऐसा झगड़ा हो रहा है, थोड़ा बहुत हम भी दिखे हैं वीडियो, कल से देख रहे हैं, हम भी पहले से नहीं पता था, हम भी कल से ही वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो में यही देख रहे हैं कि कन्हैया भैया, सालू दीदी और प्रिया दीदी और सुशील भैया, ये इन लोगों में थोड़ा बहुत लफड़ा चल रहा है। तो इस बात के लेके लेके चल रहा है कि वो हमारी बुराई करी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, बुराई तो नहीं करना चाहिए। सबके घर का अपना अपना अलग तरीका रहता है। हम कहीं भी रहेंगे, हमको बनाना खाना कमाना खाना तो पड़ेगा ना, तो आप भी हम भी जाएंगे तो करना ही पड़ेगा। कोई भी रहेगा, किसी के घर पे जाएगा, एक दिन का, दो दिन का, चार दिन का मेहमान रहता है। अगर आपको परमानेंट रहना है उधर, ज़्यादा दिन रहना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप बुराई नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम गए तो ये किए वो किए, कहीं भी रहेंगे तो हमको करना है। अगर इतना ही शौक है कि हमें ना करना पड़े, अपने घर का काम करना रहे, हमारा अपना घर है, ये है वो है, तो उसके लिए आपको किसी के घर नहीं जाना चाहिए, चाहे हम हो या कोई भी हो। लेकिन दोस्तों अभी तक तो हम, एक साल हो गया मेरे को वीडियो बनाते हुए, लेकिन मैंने अभी किसी के पास सपोर्ट के लिए नहीं गया है। और जो भी 8,000-7,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं, सब मैंने अपने मेहनत से जुटाया है, अपने मेहनत से। और दोस्तों हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, इसलिए अभी पीछे हैं। अगर हम भी फोकस, पूरा फोकस इसी पर करते तो काश हम भी थोड़ा आगे गए होते, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं वो भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे ऊपर समझ लीजिए कि इतनी ही उम्र में बहुत ही सारी जिम्मेदारियां मिल गई हैं, और जिम्मेदारियां हमारी क्या हैं कि वो सब सबको हम नहीं बताते हैं, और बताएंगे, टाइम ऐसा आएगा तो हम बता भी देंगे। अगर आप लोग की सहमति होगी कि बतानी चाहिए तो हम बता देंगे, लेकिन जिम्मेदारियाँ दोस्तों जब मायके में रहते हैं ना तो छोटी सी जिम्मेदारी होती है, और जब ससुराल में जाते हैं ना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और वो हमें निभाना पड़ता है। तो वही हम निभा रहे हैं दोस्तों, कर रहे हैं अपना काम, जितना जितना हमसे होता है करेंगे,
और कुछ बातें हैं दोस्तों जो हम जिस दिन करेंगे ना तब बताएंगे, ऐसे 2-4 दिन पहले बताएंगे कि हमें करने, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो को फोकस नहीं कर पाते थे। लेकिन जिस दिन वो मेरा काम ख़त्म होगा, समझ लें कि हमारे लाइफ का वो बड़ा ही काम है एक, अगर वो ख़त्म हुआ ना दोस्तों, अगर भगवान की दुआ से और आप लोग चाहें तो वो ख़त्म हुआ तो आप लोग को बताएंगे कि हम किस चीज़ के लिए ऐसा कर रहे थे। कोई भी रहता है करता है अपने लिए, सब कुछ सब लोग करता है, इसीलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं दे पाते हैं और ना ही किसी के पास जाने के लिए हमारे पास टाइम रहता है। हम दोस्तों आप लोग को बता दे रहे हैं कि हम जॉब भी करते हैं इधर आके, और किसी से शर्म की क्या बात है, कहीं भी रहना है, कमाना है, खाना है, क्योंकि लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हम समझ लीजिए कि हमें कोई समझेगा ही नहीं, और पैसा है तो कोई नहीं, सब लोग अपने हैं, बड़े से बड़े लोग भी अपने हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो बड़े लोग क्या, छोटे लोग भी आपको कुछ सही समझेंगे। इसलिए अगर हमारी वीडियो, अगर आप लोग हमारी बातों में थोड़ा सा भी गलती या फिर कोई त्रुटि होगी तो आप लोग प्लीज़ हमें क्षमा कीजिएगा और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। और यही बोल रहे थे कि किसी का भी सपोर्ट लो, आप कोई भी किसी को सपोर्ट भी देता है तो प्लीज़ आप लोग किसी की बुराई मत बताइए, और किसी के पास अगर इतना ही अपना इमेज बनाना है तो मत जाइए ना किसी के घर पे, कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, जाइए अपना रहिए, खाइए, कमाइए, जो करना है करिए, अपना काम से मतलब रखिए। किसी का बुराई करने से मतलब क्या है, किसी का भी कुछ भी बोल दें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, अपना ही नुकसान होता है। अभी कितना रिलेशन अच्छा चल रहा था, कोई कोई नहीं जानता था, लेकिन 2 दिन के बाद ऐसा बात आ रहा है। हम देख रहे हैं सुशील प्रिया भैया भी बहुत ये लोग वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोग हमारे नज़र में तो कन्हैया भैया सालू दीदी बहुत ही अच्छे हैं, और हम नहीं बोलते हैं कि ऐसा वो लोग बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो अगर उस आदमी तक वो बात जाएगी तो कोई भी कुछ बोल सकता है, चाहे हम हो या कोई, चाहे हमें हमारे घर पे ही कोई आएगा और हमारा ही खाएगा और जाके बदनामी करेगा तो हम नहीं बोलेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। बुराई तो करना सही नहीं है लेकिन लोग कर देते हैं, क्या करने का, चलिए कोई बात नहीं, ना समझी में हो गई होगी तो प्लीज़ कन्हैया भैया सालू दीदी आप लोग सब यही बोलेंगे कि एक लोग के बजाय आप सबको नहीं दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि सब लोग वैसे नहीं होते हैं। अगर आप लोग हमारे बात से सहमत हैं तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा क्या मैंने गलत बोला क्या सही बोला, तो हमारी नज़र में तो आप लोग सभी लोग अच्छे हैं, और आप लोग की जो टीम है ना हमको बहुत पसंद आती है, और आप ही लोग की टीम से मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ और देखती हूँ आप सभी लोग का वीडियो, और थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है हमको। अभी हम नीचे थे तो नहीं बोल पा रहे थे इसलिए मैं छत के ऊपर आ गई हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ही कमेंट जरूर करिएगा, और आप लोग के साथ साथ जितने लोग हैं ना सब लोग वीडियो अच्छे ही बनाते हैं, सब जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आपके घर का काम है चाहे हमारे घर का काम है, आज रहेगा कोई कल चला जाएगा, ऐसा ही करते हैं लोग, जब तक खाएंगे तब तक गाएंगे, जिस दिन आपके घर का दाना चला गया ना उस दिन आपका ही बुराई बात करने लगे, बुराई करने लगेंगे, तो यही होता है कोई भी हो, चाहे हमारा रिलेशन का ही कोई किसी को ला के रखे ना घर पे, ऐसा ही होता है, कुछ दिन रहेगा खाएगा गाएगा घर पे जाएगा तो वो मेरे साथ ऐसा किए, वो मेरे साथ ऐसा किए वैसा किए, ऐसा ही होता है, यही दुनिया की रीत है, क्या करेंगे, किसी को कुछ बोल नहीं पाएंगे ना। आप लोग हमारी बात से सहमत है, अगर किसी को भी हमारी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ, और आप लोग हमें छोटी बहन समझ के ही माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।